नमस्कार एंड वेलकम टू बाइजूज एग्जाम प्रेप मैं हूं अभिषेक लहकर एंड आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू हु हैव दिस दिस क्लास क्लास एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑल ऑफ यू टू शेयर योर फ्रेंड्स ताकि हम लोग आज जो है अच्छे से इस क्लास को जल्दी से खत्म कर पाए एंड आपकी मैरी क्रिसमस को ज्यादा खराब ना कर पाए ठीक है सो बिफोर बिगिनिंग द क्लास आई वुड लाइक टू विश ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी मैरी क्रिसमस आई होप ऑल ऑफ यू आर हैविंग अ ग्रेट डे ठीक है आप सभी लोग जल्दी से आ, क्लास को जो है ज्वाइन कर ले ताकि हम लोग क्लास को शुरू भी कर पाए एंड आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं चलने वाली है इट्स अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प क्लास जिसमें हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ठीक है जो कि है कि ब्रिटिश हुकूमत जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने बेसिकली भारत में क्या क्या पॉलिसीज लाई थी एंड कौन से उनमें से सबसे अच्छा कौन से उनमें से सबसे खराब ब्रिटिशर था जिसने भारत को लूटने की कोशिश की भारत को तो खोखला करने की कोशिश करी ठीक है, है अभी ठीक है स्वाति मेरी क्रिसमस हाय हेमेंद्र ठीक है जय हिंद जया दीपा प्रसन्नजीत एवरीवन ठीक है प्रसन्नजीत अब गुड आफ्टरनून में पहुंचा है ठीक है चलो मॉडर्न हिस्ट्री चल रही थी जैसे कि आप लोग को पता ही है ठीक है मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग अलग अलग चीजों को पढ़ रहे थे एंड यहाँ पे बेसिकली हम लोग को देखने को मिलता है कि आज हम लोग करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल्स एंड वाइस रॉयस ठीक है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो यहाँ पे एक सेकेंड मेरे को पेन चाहिए तो गाइस कैसी चल रही है आपकी क्रिसमस सबसे पहले मेरे को ये बता दो क्रिसमस कैसे चल रही है कल रात को सभी लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा ठीक है क्रिसमस ईव पे तो चलिए आज क्लास की शुरुआत करते हैं ओके तो दिस इज समथिंग अबाउट मी एंड आप मेगा वर्कशॉप आने वाली है हम लोग की एक ठीक है ट्वेंटी सेवन दिसंबर में नाइन पीएम को तो सभी लोग जॉइन अस लाइव एंड रजिस्टर कर लेना लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा ठीक है ओके नाउ लेट अस स्टार्ट ऑफ विद दिस क्लास सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आप सभी के सामने आती है दैट इज वन हेस्टिंग्स ठीक है वरन हेस्टिंग्स जी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज बंगाल की जो डुएल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट थी ठीक है डुएल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो रॉबर्ट क्लाइव ने एस्टेब्लिश करी थी ठीक है अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है ज्यादा तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि रॉबर्ट क्लाइव एक थे जिसके बारे में आपने सुना होगा हु द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल ठीक है उस समय गवर्नर जनरल नहीं होते थे गवर्नर होते थे

क्या आपको टेक्स्ट फिजिबल है ना आर यू ऑल एबल टू सी द टेक्स्ट आई होप दिवानी एंड निजामत ठीक है दीवानी राइट्स एंड निजामत राइट्स ओके तो इन दोनों चीजों में हम लोग बंगाल की पूरी स्ट्रक्चर को तोड़ देंगे ठीक है एंड जो दिवानी होता है इट इज द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस राइट टू रेवेन्यू एक तरीके से और निजामत जो होता है राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है तो निजामत मतलब होता है कि राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन कि बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाएगा पानी सड़क ये वो फलाना ढिमकाना एडमिनिस्ट्रेटिव थी है और पैसा रिलेटेड टैक्सेस कलेक्शन रेवेन्यू कलेक्शन रेवेन्यू कहां खर्च होगा क्या होगा दैट इज डन बेसिकली बाय दीवानी राइट्स और रॉबर्ट क्लाइफ जो है कहते हैं आप सुनना ध्यान से सुनना रॉबर्ट क्लाइफ अंग्रेजों का मतलब अपने ही देश में मतलब हमारे ऊपर की चलने वाली चाल क्या थी ये कहते हैं कि ये जो दिवानी है, ये जो राइट्स है हम लोग ले लेंगे दिस विल बी ब्रिटिश और जो निजामत राइट्स है डेट विल बी फॉर द बंगाल की गवर्नमेंट उस समय की जो नवाब होता है बंगाल का नवाब ध्यान से सुनो तो बंगाल का नवाब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेट करेगा जो ओवरऑल रेवेन्यू की चीजें हैं वो ब्रिटिशर्स ले लेगी तो पैसा वाला पावर क्लाइव ले लेते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ बंगाल को करने देते हैं इस सिस्टम का 1765 से 1772 तक चला ठीक है एंड जब रॉबर्ट क्लाइव गए ठीक है रॉबर्ट क्लाइव को जब फॉलो करना था किसी और को उनका जगह लेना था फोर्ट विलियम में तो आए वन हेस्टिंग्स ठीक है इन्होंने क्या किया इन्होंने कहा कि सिस्टम ऑफ़ गवर्नमेंट नाउ एंड कंपनी रेवेन्यू ऑन ओन ठीक है कि हम लोग अभी नवाब को कुछ नहीं देंगे अब हम लोग सारा ही सरकार संभालेंगे ये हमारी देश है यहाँ पे हम लोग स्थापना करेंगे सारी चीजों का ठीक है तो ये चीज चली थी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक एस्टेब्लिश करा गया ताकि रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करे टैक्सेस वगैरह ले एंड सारा चीज वो लोग खुद अपने से संभाले

राइट सो ऑल दोस्त थिंग्स आपको ध्यान से रखनी है याद से रखनी है क्लियर हुआ अगर आपको यह क्लियर हुआ अगला चलते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के सामने ठीक है हेस्टिंग्स के बाद सबसे अगर इंपॉर्टेंट कोई पर्सनालिटी आता है तो वो होता है कॉर्नवालिस ठीक है कॉर्नवालिस इसलिए फेमस थे बिकॉज ही वाज अ रेस्पेक्टेड एरिस्टोक्रेट ठीक है ये कोई पॉलिटिशियन या कमांडर नहीं थे ये एक तरीके से पहले तो रॉबर्ट क्लाइव वगैरह आर्मी कमांडर थे ठीक है बट ये थे एरिस्टोक्रैट ही लेड द ब्रिटिश आर्मी इन अगेंस्ट अमेरिका तो अमेरिका के खिलाफ जो बेसिकली युद्ध हुआ था ठीक है उसमें ब्रिटिश आर्मी को लीड किया था एंड इसके बाद ठीक है इसके बाद ये भारत आते हैं एंड कुछ पॉलिसी चेंजेस करते हैं तो कौन कौन सी पॉलिसी चेंजेस ये लाते हैं सबसे पहले तो इन्होंने सैलरी इंक्रीज कर दी ठीक है आते ही बोला कि हमारे ब्रिटिश भाइयों बहनों को ठीक है सैलरी ज्यादा मिलेगा और प्राइवेट प्रैक्टिस को बैन करेंगे हम लोग ठीक है क्योंकि आपने जो देखा था ठीक है 1784 में क्या आता है गाइस देयर इज अ वेरी पर्टिकुलर एक्ट दैट कम्स इनटू 1784 दैट इज नोन एज द पिट्स इंडिया एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट क्योंकि उस समय थे ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट ठीक है उनके नाम पे चीज आता है एंड यहां से हम लोग देखते हैं कि प्राइवेट प्रैक्टिस को बैन करना है क्योंकि ये लोग जो है करप्शन बहुत करते थे ठीक है अगर करप्शन होता है अगर करप्शन होता है तो कंपनी की ओवरऑल चीजें ओवरऑल रेवेन्यू डाउन होता है तो बोले कि आपको तनखा हम लोग भले ही ज्यादा दे देंगे ठीक है बट हम लोग करप्शन प्रैक्टिस को प्राइवेट प्रैक्टिस को नहीं रखेंगे ठीक है तो देखो कैसे कैसे अपने चीजों को फायदा कर रहा है ये लोग भारतीय लोग अपने अपने बारे में नहीं सोचते भारतीय लोग अपने हो सके तो सैलरी कम कर देंगे बट ये लोग अपने लोगों के लिए बारे में बहुत सोचते हैं तो वीडियो को लाइक कर दे सभी लोग जल्दी से एंड चलिए अगला चीज देखते हैं ही रिमूव कलेक्टर फ्रॉम द पोस्ट ऑफ जजेस ऑफ सिविल कोर्ट्स एंड सेपरेटेड जुडिशियरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये जो है हमारा डीपीएसपी में अभी एडेड है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव राइट right? तो ये चीज उस समय में ही 1786 के टाइम पे ही कॉर्नवाली साहब ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके थे क्योंकि देखा गया कि जुडिशरी क्या करता है एग्जीक्यूटिव का ट्रायल बट अगर अगर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट रहे तो कहां से ट्रायल फेयर होगी यहाँ पे तो वहां पे भी करप्शन चलेगी राइट right? तो उस वजह से यहाँ पे देखा जाता है सेपरेशन चलती है फिर इंडियन जजेस वर अपॉइंटेड बाय द लोएस्ट जुडिशियल तो यहां पे अगर भारतीय जज कभी भी अपॉइंट भी होते हैं गलती से तो वो सबसे लोअर लेवल पे ही अपॉइंट होते हैं यस वेरी गुड सुनील आनंद सभी लोग सही उत्तर दे रहे हो बहुत बढ़िया फादर ऑफ पुलिस सिस्टम इनको ही कहा जाता है बिकॉज ही अपॉइंटेड दरोगाज इन एवरी थाना ठीक है दरोगा समझते हो ना सिंघम देखे हो सिंघम या फिर वो वाली कौन सी थी गंगा जल हा दरोगा का पावर समझते हो ना तो वो जो दरोगा का सिस्टम था पुलिस सिस्टम में इंडिया की भारत के पुलिस सिस्टम में दरोगा का पावर कौन वाली सिविल सर्विस भी कहा जाता है आईसीएस उस समय आई नहीं था उस समय आईसीएस था इंडियन सिविल सर्विस आज की जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उस समय आईसीएस के नाम से जाना जाता था और उसका स्थापना भी कॉर्नवाली साहब को ही दिया जाता है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस इनको कहा जाता है वेरी गुड ठीक है इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड बिहार जो परमानेंट सेटलमेंट बिल थी ठीक है बहुत सारे लैंड रेवेन्यू अरेंजमेंट्स के लिए परमानेंट सेटलमेंट बिल बहुत इंपॉर्टेंट बिल थी जो कॉर्नवाली साहब का ही एक तरीके से क्रिएशन था ठीक है बहुत बढ़िया

एज देस ड्यू टू दबरी गया कि पॉलिसी चला रहे थे मेकर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी एंड क्रिएटर ऑफ आगरा प्रोविंस आपको पता है कि भारत में पूरे भारत को तीन प्रेसिडेंसी में बांट दिया गया था एक तो मद्रास तीसरा कलकत्ता यानी कि बंगाल सॉरी दूसरा बंगाल एंड तीसरा आपका होता है बंबई राइट right? इन तीनों प्रेसिडेंसीज में मद्रास प्रेसिडेंसी को मद्रास को प्रेसिडेंसी के रूप पे बेसिकली स्थापना करने का जो आ, आ, काम था ये बेसिकली रिचार्ड वेल्सली ने करा था ठीक है रिचार्ड वेल्सली उसके बाद हम लोग फर्दर देखने से पहले आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट के बारे में बताना चाहता हूँ जितने लोग आप प्रिपरेशन कर रहे हो अर्ली बर्ड डिस्काउंट को अवेल करने के लिए इस नंबर पर जरूर करिएगा ठीक है ओके होगा हमारे अचीवर्स की आर्मी जिन लोगों ने इसी तरीके से पढ़ के एग्जाम को क्रैक किया है टोटल तो तीन हजार से भी ज्यादा एक्सपीरियंस ने हमारे साथ मिलके इस एग्जाम को क्रैक किया है तो आप भी जरूर कर सकते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड रोज क्लास में आया करिए नेक्स्ट पढ़ते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में ठीक है हेस्टिंग्स वाज़ गवर्नर जनरल बेसिकली फ्रॉम 1813 टू 1823 ठीक है एंड द नेपाल एंड ब्रिटिश टेरिटरीज वेर बॉर्डरिंग इच अदर तो यहां पे देखने को मिलता है कि हेस्टिंग्स डिक्लेयर्ड वॉर ऑन नेपाल एंड डिफीटेड डेम ठीक है तो नेपाल के खिलाफ युद्ध लड़ने वाला कौन सा था अंग्रेज तो पूछ पूछने से आपको बेसिकली वर लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में बताना पड़ेगा ही एंडेड द मिनेस ऑफ द पिंडारी जो कि मैंने बताया था कि सबसे देरी के वजह से एक तरीके से इन लोग का जो रेबेलियन चलता है उसको डाउनफॉल करा गया था एंड डिफीटेड द मराथास बहुत ही दिग्गज मतलब लीडर थे अंग्रेजों के तरफ से एंड ही वॉज ऑल्सो द मेकर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि तीनों प्रेसिडेंसीज के नाम मैंने यहाँ बताया था मद्रास बंगाल एंड बॉम्बे ठीक है मद्रास का जो स्थापना करते थे रिचर्ड वेल्सली ठीक है बॉम्बे का जो स्थापना करते थे ही वॉज लॉर्ड हेस्टिंग्स मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो बंगाल थी ठीक है उसका प्रेसिडेंसी का स्थापना किसने किया था ये आप सभी के लिए असाइनमेंट है कमेंट सेक्शन में जरूर डालना और कल का जो असाइनमेंट दिया था सिर्फ दो तीन लोगों ने करा था वेरी बैड ठीक है बाकी लोग आपको लाल बाल पाल के बारे में पूछा गया था अगर आज तक उस वीडियो को नहीं देखो तो गो चेक डेट आउट एंड लाल बाल पाल के बारे में जो भी चीज जानते हो लिखो कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट उनको तो सम्मान करो ठीक है अगला जो आपको पढ़ना है ठीक है अगला जो आपको पढ़ना है विलियम बेंटिक ठीक है ही फॉलोड पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन एंड नॉन एग्रेशन विथ इंडियन प्रिंसेस ठीक है इंडियन प्रिंसली स्टेट्स आपको पता है कि भारत का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था ठीक है कुछ जगहों में ब्रिटिशर्स ने बेसिकली इंटरफेयर करने से मना कर दिया था बिकॉज वो अपने जो प्रिंसली स्टेट्स थे मतलब कुछ राज्यों में प्रिंसेस का राज था ठीक है उन प्रिंसेस के साथ वो इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे वो बोले कि यहाँ पे हम लोग पीसफुली लोकल प्रिंसेस को एक तरीके से राज करने के लिए देंगे ठीक है बहुत बढ़िया तो ये चीज यहां पे देखने को मिलता है विलियम बेंटिक द्वारा उन्होंने कर दिया था प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ़ अपील्स को जैसे कि आपको बताया था इंडियन सिविल कोर्ट का स्थापना हुआ था तो उस चीज में जो अपील्स का कोर्ट था यह विलियम बेंटिक एबॉलिश करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल लैंग्वेजेस इन लोअर कोर्ट्स एंड इंग्लिश इन हायर कोर्ट तो जो हाई कोर्ट के नीचे लेवल की जो कोर्ट्स थी उसमें वर्निकुलर लैंग्वेजेस यानी कि हिंदी या फिर संस्कृत ये सारी जो भारतीय लैंग्वेजेस है उनकी इस्तेमाल भी पहले बैन थी बट विलियम बेंटिक जो है इसको अलाउ करते हैं बट हायर कोर्ट में अंग्रेजी का ही इस्तेमाल एक तरीके से होगा क्योंकि आपको पता है क्योंकि हायर कोर्ट में क्या आप बता सकते हो इसको क्यों किया गया था इसको इसलिए किया गया था बिकॉज हाई कोर्ट की जज कभी भी हिंदुस्तानी को दिया ही नहीं जाता था आपको पहले दिखाया था कि लोअर लोअर कोर्ट्स की जो जजेस हैं वही सिर्फ इंडियन बन सकते थे ठीक है तो ये वाली चीज है नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर एबॉलिशन ऑफ सती फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड सप्रेशन ऑफ थग्स तो ये अच्छी चीज थी दिस वॉज समथिंग गुड दैट ही डिड बट ये चीज भी भारतीयों को पसंद नहीं था बहुत ज्यादा बिकॉज इंडियन प्रैक्टिसेस के हिसाब से इंडियन रिलीजन के हिसाब से ये बहुत ही इंटीग्रल प्रैक्टिस है हमारी कि सती प्रथा या फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड ये सारी चीजें हमारी एक तरीके से रीति रिवाजों में आती थी राइट right? तो इनमें भी इनको बहुत सारी रुकावटें फेस करने को मिला था ठीक है यस वेरी गुड नाउ नेक्स्ट इज इंग्लिश बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इनके ही दौरान ठीक है 1828 में एंड कलकत्ता मेडिकल कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश तो कलकत्ता में अगर कोई कलकत्ता से है तो बताओ तो मेडिकल कॉलेज जो एस्टैब्लिश था आप देखो कितना पौराणिक एक तरीके से कॉलेज इन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी ठीक है ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द इंग्लिश लैंग्वेज ठीक है ऑफिशियल बनाने में इन्हें इन्होंने बहुत ही बड़ा एक तरीके से रोल निभाया था एंड चार्टर एक्ट ऑफ एटीन थर्टीन में देखने को मिलता है कि ये एक लाख रुपया जो है प्रमोशन करने के लिए देते हैं ठीक है थेके? 1813 एक्ट में जो एक लाख रुपया एक तरीके से फॉर एडुकेशन प्रमोट होता है उस पैसे का सही इस्तेमाल यहाँ पे देखने को मिलता है एंड इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने में सक्षम करते हैं तो स्कूल्स में एक्चुअली ये पॉलिसी भी काफ़ी हेटरेट की तरफ से देखा गया था बिकॉज पीपल ऑफ इंडिया वॉन्टेड कि भारत की स्कूल्स में कॉलेज में एक तरीके से जो है वर्निकुलर लैंग्वेज हिंदी में ठीक है अपनी जो भाषा है उसमें पढ़ाया जाए बट ये लोग अंग्रेज चाहते थे कि डायरेक्टली इंग्लिश को इन्फोर्स करे लोकल लैंग्वेज को भूल जाए बिकॉज दे ऑन अ सिविलाइजेशनल मिशन तो ये चीज अच्छा है कि गलत है आप बताइएगा मेरे को तो ये चीज चल रहा था उस समय से एंड क्लास uh, में ध्यान से पढ़िएगा बिकॉज आठ बजे आज इसकी क्विज भी होगी ठीक है एंड इस क्विज में जो भी टॉप करेगा उसको एक महीने की टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी जैसे कि आप ठीक है जैसे कि आप जानते हो ठीक है बहुत बढ़िया <coughs> यस चंदन कुमार सिंह बी एक्टिव गाइस यस नीलू कह रहे सर नोट्स कैसे करे देखो नोट कुछ नहीं करना पीडीएफ में आपको अपलोड कर दूंगा पीडीएफ से पढ़ लेना ओके यस वेरी गुड हेमेंद्र बहुत बढ़िया वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग एंड लॉर्ड डलहाउजी के बारे में पढ़ते हैं चलो नेक्स्ट इज द लॉर्ड डलहाउजी जो कि 1848 से 1856 ठीक है 1856 और इसके बाद एक बहुत ही बड़ा चेंज आता है है क्योंकि 1857 में हमारा जो सारी जगहों को एनेक्स करी थी पंजाब लोअर बर्मा औधी इन टू द ब्रिटिश एम्पायर ठीक है ही एनेक्स द प्रिंसली स्टेट्स ऑल्सो जो मैंने कहा था पहले प्रिंसली स्टेट्स को इंटरफेयर ना करने का पॉलिसी था उसको रिवर्स करते हुए ठीक है ये जो है प्रिंसली स्टेज को मतलब एक तरीके से कब्जा करने लगे कैसे एक नया पॉलिसी लाए कैसा पॉलिसी बोले कि डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स ठीक है ये क्या पॉलिसी थी भाई बोले कि ऐसा एक पॉलिसी है कि, कि किसी भी राजा का अगर लड़का नहीं होता है पैदा मतलब मेल हायर खुद का जैसे पकड़ लो मैं राजा हूं बट मेरी जो है लड़का नहीं होता है मतलब आई हैव अ गर्ल चाइल्ड ठीक है बॉय चाइल्ड नहीं है तो मैं अपने भाई के बेटे को या किसी रिश्तेदार को किसी और को अपनी सिंहासन में बिठा नहीं सकता वो सिंहासन ऑटोमेटिकली अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों के हाथों में चली जाएगी ये पॉलिसी था अगर मेरा बेटा है तब तो ठीक है अगर मेरा बेटा नहीं है तो मैं किसी और के नाम नहीं दे सकता वो ऑटोमेटिकली अंग्रेजों के हाथों में चली जाएगी ऐसा एक नया ठीक है औजार या फिर पॉलिसी लाया गया ठीक है जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स

टेलीग्राफ लाइन वॉज ऑल्सो लेड फ्रॉम कलकत्ता आपकी एग्जाम के लिए पोस्टल स्टैम्पर इंट्रोड्यूस्ड यूनिफॉर्म रेट ऑफ हाफ अन्ना वॉज चार्ज ठीक है एक पोस्टल स्टैम्प का जो दाम था आधा अन्ना था ठीक है फिर द यूनिवर्सिटीज ऑफ कलकत्ता मद्रास मुंबई 1857 तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी मद्रास यूनिवर्सिटी बंबई यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी तो से इनको कहा जाता है कि हाउ मेनी ऑफ यू नो द डब्ल्यू डिपार्टमेंट तो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का भी शुरुआत यही करते हैं तो एक तरीके से मतलब कहा जाता है कि मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया मॉडर्न क्यों क्योंकि रेलवेज टेलीग्राफ ठीक है फिर पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ठीक है इन सारे चीजों का स्थापना जो है लॉर्ड दल ही करते हैं एंड इनका टेन ईयर एटीन से फिफ्टी तक था ओके बहुत बढ़िया गाइस समझ में आ रहा है ना नीलू कह रही है वीडियो को लाइक एंड शेयर करो गाइस नीलू कह रही है टेलीग्राम पर पीडीएफ सेंड करते हैं यस टेलीग्राम पे मिल जाएगा बहुत बढ़िया प्रसन्नजीत कह रहा है सर स्पेक्ट्रम काफी है क्या है, स्पेक्ट्रम पर रहे तो काफी है और कुछ जरूरत नहीं है आपको ठीक है चलो नेक्स्ट इज लॉर्ड कैनिंग ठीक है लॉर्ड कैनिंग के बारे में बहुत सारी चीजें आपको जाननी चाहिए बट मैं ब्रीफली आपको बताना जा रहा हूं कि काफी एक इंपॉर्टेंट रहे थे बिकॉज इसके बाद मतलब आपको पता है कि जो दलहाजी थे उसके बाद ही क्या होता है सिपोई विद्रोह सिपोई म्यूटनी एंड सिपोई म्यूटनी का सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम क्या था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन फिफ्टी एट ठीक है सॉरी एटीन फिफ्टी एट होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ठीक है म्यूटनी एंड सिपॉय म्यूटनी के वजह से होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एटीन फिफ्टी एट और एटीन फिफ्टी एट से क्या होता है आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर है वो सारी की सारी क्वीन के अंदर चली जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर चली जाती है And इसी के साथ गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था उसको एबॉलिश करके एक नया पोस्ट स्थापना की जाती है जिसको कहते हैं हम वाइस ठीक है तो ओवरऑल एग्जीक्यूटिव का हेड अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं रहेंगे इट विल बी द रॉय ऑफ इंडिया राइट तो इस वाइस के पोस्ट में ठीक है एक तरीके से सबसे पहले बैठे थे आपके लॉर्ड कैनिंग तो इसलिए आप देख सकते हो 1856 से 57 तक ये थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और 58 से 62 मतलब विद्रोह के बाद सिपोई विद्रोह के बाद ये बन गए वाइसरॉय ऑफ इंडिया तो ये सबसे पहले अंग्रेज एंड आखिरी अंग्रेज है जो गवर्नर जनरल भी थे और वाइसरॉय भी थे दोनों ही पद पे ये स्थापना कर चुके थे अपने चलो क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन ये तो आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पहले भी पढ़ाया था उसके बाद सिस्टम ऑफ बजट इन्होंने शुरुआत की

सिविल प्रोसीजर मतलब सिविल क्राइम्स के खिलाफ जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड है जो लॉयर्स यूज करते हैं जजेस यूज करते हैं अपनी जजमेंट्स देने के लिए उसका स्थापना भी 1860 में इन्हीं के दौरान हुई थी देखो कितना मतलब शॉकिंग शॉकिंग फैक्ट्स है ठीक है आपको ये सब चीज फिर इंडिया इंडिया का हाईकोर्ट एक्ट इसी के टाइम पे हुआ था काउंसिल एक्ट ऑफ एटीन ठीक है इंडियन सिविल सर्विस एक्ट एन पुलिस एक्ट एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो आपकी बेसिकली बहुत सारी मतलब खुदाई करके जमीन का खुदाई करके पुरानी चीजों को रिकवर करने की काम करती है वो भी इस इन्हीं के टाइम पे हुआ था एंड ही आल्सो इंट्रोड्यूस पोर्टफोलियो सिस्टम अच्छा पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह डाउट हो सकता है सर ये पोर्टफोलियो सिस्टम जो कह रहे हो आप क्या होता है वट इज दिस पोर्टफोलियो सिस्टम कौन समझा सकता है आता है क्या कि किसी को डज एनी वन नो वट इज दिस पोर्टफोलियो सिस्टम बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में <coughs> मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है अच्छा अगर नहीं आता है तो यह बताओ कि कभी यह सब सुने हो क्या घर में कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर या फिर एडुकेशन मिनिस्टर या फिर इरिगेशन मिनिस्टर या फिर होम मिनिस्टर या फिर डिफेंस मिनिस्टर या फिर फाइनेंस मिनिस्टर ये सब पदों के बारे में तो सुने हो ना जब किसी देश में या किसी राज्य में सरकार गठन होती है तो सारा पावर तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री लेके नहीं बैठता है वो अपनी पावर्स को अलग अलग मंत्रालयों में बांट देता है क्या पीडब्ल्यू डी का काम पीडब्ल्यू डी करेगा इरिगेशन काम इरिगेशन करेगा राइट तो वो वाली चीज यहाँ पे देखने को मिलता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम जी मिनिस्ट्रीज में पावर्स की बंटवार जो बांटने का प्रक्रिया है वो बेसिकली इनके दौरान होता है लॉर्ड कैनिंग के दौरान होता है ये इंट्रोड्यूस करते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम जो आज तक चलते आ रही है कैन यू सी हाउ शॉकिंग इट इज़ कि आज के दिन में भी जो चीज़ें हम लोग फॉलो कर रहे हैं ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं उन सारी चीज़ों का जो शुरुआत था वो कितने पौराणिक टाइम में हुआ था राइट right गाइस तो यही इतिहास है यही इतिहास की वजह से आज हम लोग को इतनी सारी चीजें मिलती है चलिए फिर लॉर्ड लिटन ठीक है लॉर्ड लिटन एक तरीके से बहुत ही बदमाश किस्म के इंसानों में से काउंट करे जाते हैं तो ये जो है इन्होंने वर्निकुलर प्रेस एक्ट को पास कर दिया था ठीक है वर्निकुलर प्रेस एक्ट यानी कि ऐसा एक एक्ट एक जिसके माध्यम से कि अगर मैं हिंदी में कोई कविता हिंदी में अपने मतलब लोकल लैंग्वेजेस में भारतीय भाषाओं में किसी भी भारतीय भाषा में अगर मैं कोई भी पब्लिकेशन करता हूं तो वो बैन कर दिया जाता है जी हाँ दोस्तों सही सुना आपने भारत में ही भारतीय भाषाओं का बैन ठीक है प्रेस में भारतीय भाषा यूज नहीं होंगे वर्निकुलर प्रेस एक्ट ठीक है तो पीरियडिकल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस ठीक है तो प्रेस की फ्रीडम को एक तरीके से बंद कर दिया गया था लॉर्ड लिटन द्वारा ठीक है याद कर लो ये सारे नाम

ई का एग्जाम का जो अपर लिमिट है जनरल कैटेगरी आज के दिन में कह रहा हूं क्योंकि पूरे देश में एक तरीके से आई का एग्जाम तो पता होगा तुमको बहुत मुश्किल एग्जामों में से सबसे मुश्किल एग्जाम में से माना जाता है राइट right? तो उसका जो एज है अपर लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए आज के दिन में जनरल कैटेगरी के लिए आज के दिन में थर्टी टू है ओबीसी कैटेगरी के लिए थर्टी फाइव है ठीक है और एस सी के लिए थर्टी एट है ये आज के 2022 सन में जो इतना आधुनिकता आने के बाद इतनी शिक्षा आने के बाद इतनी मतलब ऑफ़ ऑफ़ लर्निंग आने के बाद भी अपर एज 32 से ज़्यादा ही है और उस समय में जब भारतीय लोगों को कुछ पढ़ना ही नहीं आता था किताब नहीं थी स्कूल नहीं थी कॉलेज नहीं थी तब के टाइम पे अपर एज लिमिट देखो 19 साल कि जो आज का 32 इयर्स का एक नौजवान कर सकता था वो ब्रिटिशर्स आशा करते थे कि 19 साल के नौजवान करें 32 इयर्स की एज में हम लोग जो ज्ञान प्राप्त करके एग्जाम क्रैक करना करने का मतलब एक तरीके से लक्ष्य सेट करता था करा करते हैं हम लोग उस चीज को ब्रिटिशर्स चाहते थे कि 19 साल में ही कर ले बच्चा मतलब मजाक देखो एक तरीके से भारतीय लोगों को आईसीएस ना क्रैक करने की ये प्रक्रिया है और वो पहले भी बहुत ज्यादा नहीं थी इक्कीस साल थी और उसको और ज्यादा कम कर दिया बोले कि अगर तुमको आईसीएस बनना है तो उन्नीस साल की उम्र में ही बनना होगा और उसके बाद नहीं बन सकते कितना खराब लगता है सुनने के बाद कि भारतीय लोगों को भार... मतलब इंडियंस को इंडियन सिविल सर्विस में जगह नहीं मिलती थी इससे बड़ा आरणी क्या हो सकता है इंडियंस आर नॉट अलाउड इन इंडियन सिविल सर्विस ठीक है बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है कैसे कैसे मतलब गंदे 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 किस्म के लोग ठीक है एक तरीके से डेली दरबार ऑफ ऑफ कंट्री इन सीवियर ग्रिप ठीक ठीक प्रेस एक्ट एक्ट आर्म्स बहुत सारे ऐसे गंदे गंदे काम इनके हाथों में करी गई थी लॉर्ड लिटन याद रखना वन ऑफ द वेरी ड्रेकोनियन ब्रिटिशर्स ठीक है अगर ऐसे चीजों के लिए खराब लगता है तो बताना जरूर ठीक है यस हेमेंद्र कह रहा है वक्त बदल रहा था सर यस ठीक है करंट अफेयर्स तो शशांक सर ने आज ही वीडियो डाला है करंट अफेयर्स की वीडियो देख लेना टेलीग्राम लिंक दे दो कोई चंदन कुमार को टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है व्हाट्सएप की ग्रुप ज्वाइन कर लो वहां पे भी पीडीएफ मिल जाएगी पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेंशन मत लेना वीडियो को लाइक करते जाओ बस सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो पीडीएफ की चिंता मेरे ऊपर ठीक है मेरा तो अभी भी खून खोल उठता है जब इनके बारे में पढ़ाता हूं बट लॉर्ड रिपन थोड़े उल्टे किस्म के इंसान थे ठीक है ध्यान से देखो इनकी शक्ल को ये थोड़े अलग किस्म के इंसान थे इन्होंने जो है आते ही वर्नेकुलर प्रेस एक्ट को रिपील कर दिया ठीक है इन्होंने कहा कि नहीं भाई प्रेस फ्रीडम को रखना पड़ेगा क्योंकि लोग हद से बाहर जा रहे थे फिर फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं इनको क्योंकि इन्होंने जो है एक तरीके से सेल्फ गवर्नमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी थी भारत में ठीक है और आज भी गवर्नमेंट या पंचायती राज की स्थापना के बारे में अगर कहा जाता है तो लॉर्ड रिपन के ऊपर एक तरीके से चर्चा जाती है स्टार्टेड टेलीफोन इन कोलकाता इन टेलीफोन की शुरुआत ये पहले टेलीग्राफ था ये टेलीफोन है अलग चीज है टेलीग्राफ और टेलीफोन में मतलब गलती मत करना। ठीक है? है एक education को बढ़ावा देने के के लिए commission थी, जिसका स्थापना भी ये करते हैं। तो Lord के बहुत Lord Rippen. Rippen जो है अच्छी चीजें कर रहे तो ये फैक्ट्री के वर्कर्स के लिए बोले कि थोड़ा कंडीशन वगैरह सही से कराओ भाई काम कर रहा है बच्चा ठीक है दिन भर काम करता है ये ट्राइड टू पास द इलबर्ट बिल विच वुड हैव अलाउड टू इंडियन मजिस्ट्रेट्स टू ट्राई यूरोपियंस देखो एक पहले ऐसा नियम था ध्यान से सुनो सभी लोग ध्यान से सुनो जज तो दो प्रकार के थे मैं लिख के पढ़ाता हूँ चलो दो प्रकार के जज थे एक इंडियन जज एक इंग्लिश जज इन अंग्रेजों ने ऐसा नियम बना दिया कि अगर इंडियन जज की कोर्ट में इंडियन जज की कोर्ट में कोई यूरोपियन मुजरिम आए तो उस मुजरिम को इंडियन जज पनिशमेंट भी नहीं दे सकता मगर लो किसी यूरोपियन ने किसी घोड़े छिट्टे ने छोड़ी है ठीक है किसी गोरे ने छोड़ी करी है ठीफ और ये जज है जज पढ़ाई लिखाई मतलब बड़े पढ़े लिखे बंदा ठीक है तो ये जज क्योंकि ये अंग्रेज है तो इंडियन जज इसको पनिशमेंट भी नहीं दे सकता सोचो तो यूरोपियंस कैन ओनली भी पनिश बाई यूरोपियंस मतलब कितना स्तर पे हम लोग को डिस्क्रिमिनेट करा गया कि हमारा जो जज है पढ़ लिख के जज बना है उसका कोई औकात नहीं है तुम यूरोपियंस को पनिश भी नहीं कर सकते और इस चीज को हटाने की कोशिश करी गई थी लॉर्ड रिपन द्वारा तो थोड़ी बहुत इज्जत मेरी आ जाती है लॉर्ड रिपन के तरफ क्योंकि लॉर्ड रिपन ने कहा कि भाई जज तो जज होता है चाहे भारतीय हो चाहे अंग्रेज हो तो इसलिए हम पास करेंगे एलबर्ट बिल और इस बिल के रिगार्डिंग बहुत कंट्रोवर्सी चलती है बहुत कंट्रोवर्सी किसी और दिन बताऊंगा बट बत एलबर्ट बिल के बारे में जानो कि एल्बर्ट बिल वो बिल होती थी जिसमें पास किया गया कि अभी से अगर ये बिल पास हो जाती है तो इंडियंस कैन ऑल्सो ट्राई रोपियंस ठीक है यहां पे वही चीज बताई गई है इंडियन मेजिस्ट्रेट कैन ट्राई यूरोपियन एक ठीक है बहुत बढ़िया याद रहेगा तो मैं हमेशा ऐसे याद रखता था एक तरीके से मेरा एक तरीका था लिटन द बैड बैड एंड रिपन द गुड दोनों साथ साथ में ही आए थे लगभग एटीन में ये आए थे और यहाँ पे एटीन में इनका खत्म होता है तो लिटन के बाद रिपन तो लिटन रिपन लिटन रिपन ठीक है थोड़ा टंग टू स्तर भी हो जाता है चलो इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि आपके सी के लिए 113 दिन बचे हुए हैं आज के आज के दिन से अगर काउंट करेंगे तो तो बहुत जल्द मैं आपके लिए ठीक है बहुत जल्द क्या कल शायद कल या परसों में मैं आपके लिए ये वीडियो लाने वाला हूँ हंड्रेड डेज स्ट्रेटेजी तो इसको जरूर फॉलो करने की कोशिश करो एंड हंड्रेड डेज के लिए अगर फॉलो करोगे मैं कहना चाहता हूं कि आपकी एग्जाम जरूर क्रैक होगी चलो नेक्स्ट इज लॉर्ड कजन ठीक है लॉर्ड कजन ही पास द यूनिवर्सिटीज एक्ट दैट ब्रॉट ऑल यूनिवर्सिटीज अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल सारे यूनिवर्सिटीज को सरकारी कंट्रोल के अंदर लाने की ये प्रक्रिया करते थे एंड पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स में स्टार्टेड ठीक है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है ये लेन टू मेक इट मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स जैसे ताजमहल है जैसे कोई हिस्टोरिकल बीबी का मकबरा है तो इंपॉर्टेंट जो चीजें थी इसको प्रोटेक्ट करने की जो प्रक्रिया थी डेट वॉज डन बाय लॉर्ड कर्जन ठीक है एंड नेक्स्ट इट वॉज द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज डन बाई हिम ठीक है आपको पता है बंगाल की जो पार्टीशन थी नाइनटीन में बंगाल पार्टीशन होता है एंड इसी के रिएक्शन में नाइनटीन में क्या होता है गाइज कौन सा मूवमेंट होता है स्वदेशी मूवमेंट मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत क्या है स्वदेशी का ही तो एक तरीके से एडवांस वर्जन है ठीक है तो स्वदेशी मूवमेंट और बंगाल पार्टीशन और वो बंगाल पार्टीशन बाद में एनुअल भी होता है 1911-12 में वो पार्टीशन फिर से जोड़ दिया जाता है एक तरीके से फेलियर फेलियर माना जाता है बट ये पार्टीशन जो है लॉर्ड कर्जन ने करा था एंड द फर्स्ट सेंसस एंड स्टेटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो डन बाई लॉर्ड मायो ये लॉर्ड मायो के बारे में है जो इनके बाद आते हैं ठीक है कर्जन एंड मायो ये दोनों चीज आपको <clears throat> बहुत बढ़िया ठीक है क्लियर है बानु शर्मा सिंह यू ऑल्सो रीड ओनली फ्रॉम लाइव क्लासेस बट नॉट फ्रॉम प्रिंटेड बुकलेट आप दोनों से पढ़ सकते हो लाइव क्लासेस दोनों से पढ़ सकते हो भाई जो से भी आप पढ़ सकते हो ट्वेंटी वन में थे वाइस रॉय ऑफ इंडिया तो इनके द्वारा बेसिकली जो चीज आपको याद रखनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन नाइनटीन जिसमें क्या होता है जिसमें एक तरीके से नया एक पॉलिसी आता है डायर की डायर वो भी प्रोविंशियल लेवल पे ठीक है प्रोविंशियल लेवल पे डायारकी को इंट्रोड्यूस किया जाता है सबसे पहले बार अंडर लॉर्ड चैम्सफोर्ड ठीक है और मोन्टेगो थे उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो मोन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म से भी जाना जाता है इस एक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन नाइनटीन को हमने अच्छे से संविधान सीरीज में कवर भी कर रखी है तो वहां पर भी आप जाके चेक कर सकते हो ठीक है इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैपेंड इज ड्यूरिंग हिज टाइम ओनली द जलियावाला बाग मैसेकर जो 1919 की सबसे घिनौनी या सबसे दर्दनाक दिन एक तरीके से भारत के इतिहास में माना जाता है आज के दिन तक माना जाता है जिसमें ठीक है yes, यस वेरी गुड जिसमें इतने सारे लोगों के ऊपर ओपन फायरिंग हो गया था बाय जनरल डायर ठीक है और इनके टाइम पे ही बेसिकली हुआ था जो लॉर्ड लॉर्ड चैम्सफर्ड देख लो ध्यान से इस शकल को देख लो ठीक है ध्यान से इस शक्ल को देख लो इनके मेडल्स को देख लो इनकी मेडल्स जो है मासूम भारतीयों के ऊपर मासूम बच्चों के ऊपर मासूम महिलाओं के ऊपर बुलेट चलाने वाली मेडल्स है ठीक है और इन्हीं के चलते फिर गांधी जी यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का शुरुआत करते हैं ठीक है आदर्श यस आज 8 पीएम पे इन सारी चीजों के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लॉर्ड ठीक है साइमन कमीशन इनके टाइम पे आई थी साइमन कमीशन आपको पता ही है स्टेट्स की सही तौर पे चर्चा करने के लिए बटलर कमीशन फिर नेहरू रिपोर्ट इसमें आई थी ठीक है दीपावली डिक्लेरेशन ठीक है लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस जिसमें पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन ली गई थी लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल ने कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी सेशन में जो है ठीक है जवाहरलाल नेहरू ने प्रेसिडेंट रहा था और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अब हम इंडिया को छोटा मोटा इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए पूर्ण रूप पे स्वराज चाहिए ठीक है दांडी मार्च कैरी आउट किया गया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी एंड गांधी अरविंद के बीच में एक पैक्ट भी बनाई गई थी ठीक है यस बहुत बढ़िया तो ऐसे ऐसे फैक्ट्स को मैं एकदम शॉर्ट करके दे रहा हूं आपको देखो अब एग्जाम में निकालना है लेकिन ठीक है मेहनत का फल लाना है आपको। फलिथ गो ठीक है लिनलिथ गो बहुत ही ठीक है यहाँ पे बढ़िया पिक्चर देख सकते हो रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज हुआ था ठीक है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिकॉज कांग्रेस ने कांग्रेस को प्रॉमिस किया गया था अंग्रेजों द्वारा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही हम लोग को जो है अपना पूर्ण स्वराज या स्वाधीनता मिलेगा बट वो चीज नहीं दी गई थी फिर उसी के चलते त्रिपुरारी क्राइसिस त्रिपुरारी सेशन हुआ था एंड फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक ठीक है जो एक तरीके से कल पढ़ाया था आपको आपके सुभाष चंद्र बोस जी का फॉर्मेशन फिर लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग जिसमें डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम आता है इन्हीं के टाइम पे पाकिस्तान का फॉर्मेशन इन्हीं के टाइम पे बेसिकली केरी आउट करी गई थी एंड अगस्त ऑफर फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी ठीक है आपको कैप्टन रॉबिन सिंह के बारे में सॉरी रोहन सिंह के बारे में बताया गया था फिर क्रिप्स मिशन एंड क्विट इंडिया मिशन जो कि फाइनल ब्लो था गांधीयन मूवमेंट्स में डू और डाई का नारा जो जिसमें बेसिकली गांधीजी ने चलाया था राइट right? यस yes, बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया तो लिंडलिथ गो याद हो जाता है लॉर्ड इरविन हमने पढ़ ली तो लास्टली हम लोग के पास आता है लास्टली नहीं सी सेकंड लास्ट है देखो यहां तक जो है दिस वाज अंटिल अन मतलब मतलब डिपेंडेंट इंडिया का था अब इंडिपेंडेंट इंडिया के कुछ गवर्नर जनरल्स थे ठीक है यहां तक वाइसरॉय होता है फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास होती है 1947 में एंड उसके बाद दो गवर्नर जनरल्स रहते हैं ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया सबसे पहले वाले होते हैं लॉर्ड माउंट एंड दूसरे वाले होते हैं सी राजा गोपालाचारी ठीक है तो सी राजा गोपालाचारी और माउंट के बारे में कुछ पढ़ने के लिए कोशिश करते चलिए तो माउंट जी है ठीक है यहां पे आप देख सकते हो ही जून थर्ड प्लान इन्हीं के नाम पे बेसिकली हुआ था वह यह था कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के माध्यम से नाइनटीन एक्ट पास कर दिए गई एंड बोला कि भारत अब स्वाधीन है बट भारत में विभाजन भी, भी हो रही थी उस समय यहाँ पे दो स्वाधीन देशों का निर्माण हो रहा था एक था पाकिस्तान और एक था हिंदुस्तान तो हिंदुस्तानियों ने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई लीडर नहीं है जो पूरे अखंड भारत को एक तरीके से प्रोटेक्ट करके अपनी लीडरशिप चला पाए ठीक है तो इसलिए कहा गया कि क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत इतने सालों से हमारे यहाँ पे राज कर रही है तो उनके पास सारे संसाधन हैं उनके पास ज्यादा लीडरशिप कैपेबिलिटी है उनके पास एक्सपीरियंस है, है कि भारत को सही तौर पे वो गवर्न कर पाए जब तक हमारे पास अपना संविधान नहीं आ जाता है 1950 में तो 1950 तक माना गया कि डोमिनियन स्टेटस में ही रहेगी भारत क्योंकि यहां में बहुत सारा चीज चल रहा था साथ साथ में विभाजन चल रही थी ठीक मार काट चल रहा था हिंदू मुसलमान दंगा चल रहा था ठीक है इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई चल रही पीपल मूविंग अक्रॉस द बॉर्डर्स तो इन सारे चीजों के लिए ठीक है यहाँ पे देखा गया कि भारत डोमिनियन स्टेटस में रहेगी पहला डोमिनियन ऑफ इंडिया का जो गवर्नर जनरल आता है लॉर्ड माउंट बेटन ठीक है यहाँ इसी के टाइम पे रेडक्लिफ कमीशन भी बैठती है जो आपकी बेसिकली बॉर्डर डिमार्केट करने के लिए मतलब नियुक्त की गई थी साइरल रेडक्लिफ नामक एक इंसान के नाम पे ही ये कमीशन बिठाई गई थी टू डिमार्केट द बॉर्डर लाइन ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी एंड पंजाब प्रोविंस ठीक है तो बंगाल उस समय की मतलब ईस्ट पाकिस्तान एंड पंजाब बेसिकली वेस्ट पाकिस्तान तो दोनों ही बॉर्डर्स को डिमार्केट करने का काम इनको दिया गया था तो ये लॉर्ड माउंटबेटन साथ थे एंड उसके बाद 48 से 50 ये थे बस आपके 47 दो साल उसके बाद 48 से 50 एक इंडियन को इस पद पर रखा गया जो कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे थे बिफोर ऑफिस एंड फिर उनको कर दिया गया था ये जो गवर्नर जनरल का ऑफिस था ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया इसको एबॉलिश कर दिया गया 1950 में एंड इसके बाद इलेक्शंस कंडक्ट करी गई थी लोकसभा की इलेक्शन क्योंकि 1950 में हमारे पास क्या आ गया था? हमारा संविधान. तो संविधान आ गई थी तो इस वजह से इलेक्शन कंडक्ट कराई गई लोकसभा की इलेक्शंस कंडक्ट कराई गई एंड जो भी विजेता हुआ उसको प्रधानमंत्री का पद दिया गया था एंड वैसे ही पत, सबसे पहले प्रधानमंत्री बनते हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब जिन्होंने ही अपनी लाहौर सेशन के माध्यम से पूर्ण स्वराज लिया था 1928 में। तो के खिलाफ भी थे जवाहरलाल नेहरू यंग खून था उस समय, 1929 के समय में, वो में से काउंट करते थे वही जाके बाद में प्रधानमंत्री भी बनते हैं तो इसीलिए कहा जाता है किसी के दिमाग में अगर थोड़ा सरफिरा हो ना वो कुछ कमाल ही कर जाता है एंड आप लोग भी कम सरफिरे नहीं हो क्योंकि इस उम्र में आप लोग ने भारतीय फौज को ज्वाइन करने की निर्णय ले ली है तो आप इस मकसद में आगे बढ़ो ठीक है मेरा ऑल ऑफ बेस्ट ऑफ बेस्ट विशेष है आज आपको मैंने सारी चैप्टर पढ़ा दी अच्छे से क्विज करने के लिए आ जाना और बाकी क्रिसमस ज्यादा बर्बाद नहीं करता हूँ कोर्स के बारे में बता देता हूँ इक्कीस दिसंबर से शुरू शुरू हो, हो चुका है क्लासेस चल रही है ज्वाइन नहीं किया अभी जल्दी से ज्वाइन करो ये नंबर है इसमें आप डाउट पूछ सकते हो एंड कोई भी इशू है इसके रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में डालो हिस्ट्री में कोई भी इशू चल रही है ये पढ़ना है वो पढ़ना है ये सारा चीज़ आपके लिए मैं आसान करने वाला वीडियो को लाइक कर देना ठीक है अगर आपको पसंद आया इंफॉर्मेशन एंड जो जो होमवर्क दिया है वो जरूर कर करके आना ठीक है चलो तो फिर इतना ही था आज की क्लास में अच्छा लगा आपसे मिलके मैरी क्रिसमस वंस अगेन जय हिंद जय भारत